हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो है डेट और दिन मुझे याद नहीं है, नीचे डाल दूंगी मैं डेट, क्योंकि अभी मुझे इतना पता है आज संडे है और 6 तारीख है कि कितनी है, 6th आज 6 तारीख है। और मैं आई हूँ अपने मायके। तो बहुत पहले जब मेरा चैनल शुरू हुआ था, मैंने जो है वीडियो बनाई थी मायका टूर की, होम टूर जो मायके का है। तो बहुत से लोगों का जो है कंफ्यूजन है मेरे घर को लेके, तो आज मैं आपको इस घर से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये वाला घर जो है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। मेरी जो बहनें हैं ना, वो हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन मेरा जो है जन्म भी यहीं हुआ है, चले रूम में। हाँ, कैमरामैन जो है रौनक है। तो ये घर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज कैसा है। और माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि सीजन लगा है एलमंड्स का। ये एलमंड का पेड़ है ये वाला। और अब जो है इससे बादाम निकाल दिए हैं, लग गए हैं तोड़ने, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको ये घर दिखाती हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, आज 22 लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि दूसरा घर जो पीछे है ना बन रहा है, उसकी भी तैयारियाँ, मतलब कि वहाँ पे भी लेबर लगी है, मिस्त्री वगैरह भी लगे हैं, और सीज़न के लिए भी है, खुद भी हम सब लोग हैं। इससे जो है घर उतना जो है अच्छे से सेट नहीं है, लेकिन जितना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ। थोड़ा ये है जी हमारी, इसका नाम है उम्बा, उसका नाम है, डरती है ये देखो, और उसका नाम है भूंगी, और ये है उम्बा। उम्बा जो है बड़ी हो गई है, भूंगी है उतनी ही रही है। तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले ऊपर। हमारी बालकोनी, और यहाँ पे दादी सुबह धूप में बैठे हैं। नमस्ते दादियों। दादी जो है यहाँ बैठते हैं सुबह, अभी यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ये लाइन वीडियो बनाने, यहाँ से बाहर ऐसा दिखने के बाद। इधर को है हमारा बाथरूम और किचन, यहाँ पे है दो डोर, एक कमरा ये है एक ये है। तो चलिए पहले इसमें ले चलती हूँ आपको। तो ये वाला रूम जो है मेरी दी का है, पहले ये मम्मी पापा का होता था, मम्मी पापा जो है अब नीचे वाले घर, फिर बताएंगे आप कौन सा वाला घर। तो तीसरा घर है एक जो नीचे लो हाइट में है, वहां रहते हैं। तो ये पहले मम्मी पापा का बेडरूम होता है, अब मेरी दी का बेडरूम है। दी जो है मेरी बड़ी वाली दीदी, घर पे यही होती है, और क्योंकि वो जो है हम तीन बहने हैं, तो बड़ी वाली दीदी यही रहती है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है ये वाला टीवी, सिंपल सा टीवी है एक, आइए इधर वाले रूम में। चलिए यहाँ पे मैंने लाइट जला दी है, इसमें जो है लस्सी है, अभी निकाली होगी इसीलिए यहाँ रखी है। घर जो है फैला हुआ है, आइए यहाँ पे सिंपल सा ही एक फ्रिज जो है गर्मियों में यहाँ रख देते हैं, और यहाँ एक अलमारी है, सिंपल से बेडरूम है। और जब मम्मी पापा उस बेड में सोते थे, तो मैं यहाँ सोती थी, बीच का जो है डोर खुला रखती थी, ताकि मुझे जो है मेरी मम्मी देखते रहे। जी, आपने मुझे बताया भी था। आइए, और वो वाला रूम, वो वाला दिखा दो बेटा, वहाँ पे जो है एक एग्जिट डोर भी है, पर अब ये कवर हो चुका है, अब हम उसको खोलते नहीं है, पर इसको खोल देते थे जब हम बाहर जाते थे। और आइए अब मेरे साथ, लाइट बंद करके जाते हैं, यहाँ से बाहर निकलकर इस वाली साइड जाते हैं, और ये कमरा भी झाड़ू पोछा नहीं किया है। आओ, लाइट जलाती हूँ यहाँ पे, लाइट यहाँ पे जल नहीं रही है। ये वाला रूम जो है मेरी बुआ का रूम है, और यहाँ पे ज्यादातर दीदी का बेटा होता है, इसीलिए ये जो है उसके खिलौने वगैरह बिखरे पड़े हैं। और यहाँ पे ही दादी के लिए बेड लगाया, दादी को अकेले नहीं सुला सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे है दादी का बेड, और यहाँ पे एक LED टीवी लगाया है, इधर को ऐसा है, और यहाँ से हर रूम से बाहर अच्छा दिखता है, और यहाँ से भी बाहर काफी अच्छा दिखता है, ये देखिए, और इधर से भी इधर को अच्छा दिखता है, उधर से मैंने दिखाया ही नहीं पीछे से, और चलिए कोई नहीं, उधर से भी ऐसा ही दिखता है। तो चलिए आइए अब मेरे साथ, चलिए अब ले चलती हूँ आपको किचन में। ये है हमारा किचन, इस गैलरी से होते हुए पीछे को भी हम ऊपर छत पे जाते हैं, और पीछे को भी एक स्टोर रूम है। चलिए अब चलते हैं किचन में, क्योंकि काम लगा है ना, तो ऊपर ऊपर सिर्फ हम ही है। और ये है हमारा किचन, किचन जो है पहले डिफरेंट था, यहाँ पे शेल्फ होती थी, लेकिन अब जो है इधर को कर दिया और ये बंद कर दिया। यहाँ पे इस जगह
सर्दियों में चूल्हा लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है दीदी जो कि घास काटने वाली वीडियो में बहुत से लोगों ने देखी। और यहाँ पे जो है गाय रखी है, तो इसमें हम लोग लस्सी बनाते हैं, छावो लमारते थल है और मक्खन वगैरह बनाते हैं। और ये है, इधर दिखाओ, ये है मधानी, गोल्टू से नहीं लगाते हैं, मैंने अपने टाइम में नहीं देखा। यहाँ पे सिंपल सा किचन है हमारा और बहुत प्यारा है, और यहाँ से भी बाहर को व्यू अच्छा दिखता है। चलिए अब आइए मेरे साथ बाहर। और यहाँ से है इधर को कॉरिडोर सा, और ये है यहाँ पे बाथरूम। तो चलिए बाथरूम भी थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ। और ये है बाथरूम, छोटा सा बाथरूम है, इंग्लिश सीट लगी है, वॉशिंग मशीन है, जैसे होता ही है बाथरूम वैसा है। और चलिए अब स्टोर रूम ले चलती हूँ, क्योंकि पहले हम ऊपर वाला ही कवर करते हैं। ये जो सीढ़ियाँ है ये ऊपर छत पे जाती है, और यहाँ पे ना ये वाला देखो चूल्हा दिखाओ, इस पे दाल लगी है, इसने यहाँ पे आग नहीं जलाई। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि बड़ी मम्मा ने मुझसे जितनी बड़े बड़े लकड़े क्यों मंगाए। ये जो चूल्हा है ना, ये टेम्पररी लगाया है, इसको और बनाएंगे, क्योंकि नीचे क्या हुआ, यहाँ पे पता है क्या हुआ, नीचे जो है चूल्हा था ना, जहाँ वहाँ पे एक बाथरूम अलग बनाया, सेपरेट से टॉयलेट बनाया, इसलिए आजकल काम चलाने के लिए ये है। और ये वाला जो है स्टोर रूम है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डार्क है गाइस। यहाँ पे जो है इसमें भी नीचे जो है राशन पानी भरा है, डब्बे रखे हैं, जो भी काम की चीजें होती है। ज्यादातर यहाँ पे देखिए जालियां होती है जो बगीचों के लिए काम आते हैं, और ये इस तरह के जो है इसमें जो है चरिया वगैरह भरी जाती है, इस तरह के हैं। और यहाँ पे बहुत सारे अभी रखे हैं ये, और सोसाइटी के जो है राशन पानी फीड वगैरह सब कुछ यहाँ भर दिया जाता है। और ये देखिए, ये इसको डेग बोलते हैं हम लोग, शादियों में काम आते हैं, और ये किल्टे वगैरह भी यही रखे जाते हैं, आ जाओ। और नाली किल्टे, और उधर को भी है एक, बाहर को दिख रहा है उसको छान बोलते हैं, उसके नीचे जो है बहुत सारी लकड़ियां रखी गई है, ताकि जो है सर्दियों में काम आए। और इधर ये है जो भी है स्प्रे वगैरह का सामान, स्प्रे वगैरह का सामान है, जो भी दवाइयां वगैरह बगीचों में लगती है, इस तरह से है। और आलू सब्जी जो भी यहाँ देखिए, इस वाले को दिखाई, इधर रौनक, ये जो है ना ये लकड़ी काटने की मशीन है, घास काटने की, पहले मैं से बहुत डरता था, घास काटने की मशीन भी कहीं इधर होगी। और ये पता नहीं कौन सा है, क्या है, मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीजें रहती है यहाँ पे, सब्जियां सब्जियां जो भी रहता है, इसको करते हैं थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है, हाँ, इसको करते हैं बंद। तो छत पे भी अभी ही चलते हैं, गिरना नहीं है रौनक, आराम से आना है, आ जाइए। तो मैं भी आ जाता हूँ। ये हमारे घर की छत है, यहाँ पे दो टंकियां लगी हुई है, और ये सोलर लगा हुआ है। ये वाली जो छत, पीछे वाली छत दिखाओ, ये वाली जो छत है वो स्टोर रूम की है, और ये जो है इधर को आओ आप, और ये वाला जो है घर की छत है, ये हम किचन की छत के ऊपर है, और वो जो है वो शाड़े है, वो यहाँ परली साइड वाला शक्करपारा है, वो क्या बनी है, इधर आओ, आ जाओ। ये जो है पूरी की पूरी बनाई हुई है, चूल्हियां बनेगी और ये बनेगी बोइयां, ये काफी टेस्टी होती है खाने में, इनको जो है पूरा का पूरा ही सुखाया जाता है इस तरह से, ये देख लीजिए। और वो देखिए वहां से, यहाँ से व्यू दिखता है कुछ ऐसा, आ जाओ। और यहाँ बहुत ज्यादा वो है, गर्मी है, आ जाओ वापस। और रौनक को मुश्किल होती है आने में, आ जाओ मेरा कैमरामैन, आराम से आना। और चलिए अब चलते हैं नीचे, लेकिन उससे पहले पता नहीं बंदा क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? अच्छा, नाम नाम करनी है, ये नहाने की तैयारी में है, इधर आओ, इसकी जो है नहाने की तैयारी हो रही है, और इसको नहा रहे हैं वो, देखिए बुआ जी, हेलो बुआ जी, हेलो। और ये अभी बच्चे को नहाएंगे, इस तैयारी में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो चूल्हा था ना पहले, एक वो रिप्लेस हो चुका है, यहाँ पे एक नया बाथरूम बना है, पर अभी उतना अच्छे से नहीं हुआ है, पर बन गया है, ये भी एक बाथरूम होगा, क्योंकि ऊपर को जो है ढांचा खड़ा है, ढांचा, हाँ ढांचा खड़ा है, वॉशिंग मशीन के लिए प्रॉब्लम आ रही है। और चलिए अब चलते हैं खुड़ में, आ जाइए, ये है हमारा खुड़, जहाँ पर अभी हमारी गौ माता नहीं है, क्योंकि वो बाहर है, बाहर है, ये घर के साथ ही अटैच है, तो घर
खुड़ का जो है खुड़ साफ कर दिया है। खुड़ ऐसा होता है हमारा, जो ये पत्थर होते हैं ना, पत्थर इसके नीचे गचाई बोलते हैं उसको, उसमें जो है गाय का गौमूत्र होता है। यहाँ पे जो है पहाड़ी में गौंच बोल देते हैं, हाँ गौंच। यहाँ पे उम्बा होती है, यहाँ भूंगी होते हैं। चलिए चलते हैं बाहर। और इधर लगा है जो हमारा एलमंड का सीजन। यहाँ पर नानी देख लीजिए। हाँ, आजा। और श्रेया दीदी हेलो, सब करो हेलो, अभी हेलो कीजिए। ये है मामू, ये मेरे बड़े भैया हैं। यहाँ और यहाँ पर मैं कुछ देर पहले भी लगा था। हाँ, ये देखो ये सारे जो हैं भरे हुए हैं डब्बे, और वहाँ पर भी है। इसको इस तरह से भी भरा जाता है, और कुछ लोग फिर पूछते हैं ये 150 तक जाता है। भाई 150 तक इंडिया 150 तक जाता है, 170 तक भी जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर इनको तोड़ेंगे तो 250 ग्राम गिरिया भी नहीं निकलेगी, है ना, 250 ग्राम से भी कम निकलेगी। तो ये वाले जो हैं डब्बे भरे जा रहे हैं। और ये क्या है इसमें, इसमें भी बना में, हाँ इस तरह से ये सारे इसमें डाल दिए जाते हैं, इसमें भर दिए हैं काफी सारे। ये दूसरी पेटी में भरे जाएंगे, यहाँ पे भी भर के रख दिए हैं देखो। और जो है अभी तोड़ रहे हैं, मैं खेत भी लेके जाऊंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, अभी मैं ये कवर करती हूँ। और ये मेरे पापा है, ये इन पे नजर रखते हैं कौन कैसा काम कर रहा है। जी आ जाइए अंदर। थैंक यू। लाइटें पता नहीं क्यों नहीं जल रही है कमरे में, मैं ट्राई करता हूँ। बस चल गई है, वहीं से लो साइड से। चलो इसको बंद करते हैं, हमने बाहर भी लगा दी है। और ये वाला रूम जो है ये किसी का नहीं था, पर आजकल यहाँ पे मेरे आमा पापा रहते हैं। और ये अभी बिस्तर उठाया नहीं है, यहाँ से भी बाहर। और यहाँ पर एक सरप्राइज भी है, ये देखिए यहाँ से बाहर काफी अच्छा दिखता है। और ये भी एक रूम है। रही बात घर की, तो घर जो है मेरे ख्याल से मैं 7th क्लास में पढ़ती थी, त्रिभाषु घर चिन्हियो, मुझे नहीं पता 20-22 साल हो गए होंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा यही एक ये वाला रूम और एक बाहर वाला रूम, 2 रूम होते थे, दादू का घर जो पीछे था। फिर यहाँ से अंदर आइए, ये भी एक स्टोर रूम के लिए ही किया है। यहाँ पे जो है कपड़े ही कपड़े रखे जाते हैं, हीटर वगैरह रखा जाता है, और बहुत सारे गद्दे और बेड जो भी रहता है सब कुछ ही। इधर ये अलमीरा है, इस तरह से इसमें कपड़े रखे जाते हैं। और ये श्रेया की बहुत सारी ट्रॉफीज, श्रेया जो है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो रखी गई है। मम्मी अगर मैं राइट हूँ तो यहाँ पर आपका बर्थ प्लेस भी है ना? ये मेरा यहाँ पे नहीं हुआ बेटा, मेरा जन्म आज कहाँ हुआ था? मेरा जन्म दूसरी साइड हुआ था, आज मैं दिखाती हूँ। मैं तो फिर एक्साइटेड हूँ उसको देखने। सो गाइस, ये वाली वो जगह है जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है। और ये देखिए यहाँ पे डिजाइन, और यहाँ पे जो है स्टिचिंग का ही काम होता है। ये देखिए यहाँ पे मेरी दी, मैं, मम्मी, पापा, सब लोग, हम लोगों को स्टिचिंग आती है। सिर्फ एक बीच वाली दीदी है, उसको भी आती है, पर वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मैं, मेरी बड़ी दीदी, पापा, मम्मी, सब लोगों को, हमको स्टिचिंग अच्छे से आती है। और यहाँ पे सब कुछ इस तरह से रखा है, ये खुले इसीलिए रखे ताकि स्मेल वगैरह ना आए रूम से। और यहाँ पे देखिए प्रेस वगैरह करने का सब कुछ ही है। और चलिए चलते हैं बाहर। और ये इधर कौन आ गई है? ये आ गई है गुन्नू, मेरी दी की बेटी। हेलो क्या बोल रही है श्रेया? कुछ नहीं, कहाँ बोल, मुझे बोल रही थी पहले। मैंने हाथ नहीं धोया, मैंने इसको बोला कि लाइक सब्सक्राइब करने को बोलो, और वो बंदी बोल रही है कि इसने भी मुंह नहीं धोया, ये मुंह धो के बोलेगी। हर दोनों मुंह सब मुंह धो के बोलने वाले हैं, आपने धोया है। ये जीजा जी थे मेरे। सो चलिए, मैंने आप लोगों को जो है अपना घर दिखा दिया है। काम बहुत रहता है, इस वजह से जो है घर अभी उलझा पड़ा हुआ है। दादी का सबसे ज्यादा ऐश इस घर में मेरी दादी करते हैं, मतलब कि बैठे रहते हैं और सबको देखते रहते हैं, बैठे रहेंगे देखते रहेंगे। और मेरा मैं स्टूडियो का कैमरामैन था, 80% मैंने ही फिल्म किया। 80% नहीं, 100% बताइएगा कैसा इसने जो है फिल्माया है। और मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसी बनी है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। और उधर ना गानों की आवाज़ आ रही है, तो इधर गाने गाए जा रहे हैं इस बंदे को नहलाने के लिए। चलिए अब बहुत सारी मस्ती हो गई है, घर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। मैं जा रहा हूं पानी पीने। और रौनक जाएगा अब बादाम भरने, मैं करूंगी दी की हेल्प। दी पता नहीं कहाँ चली गई है, यहाँ पर है सबसे बड़े। और ये यहाँ पे चावल छाट रही है। कितने लोग हैं आज? 22।
तो आज 22 लोगों के लिए खाना बनेगा यहाँ। हम भी तोड़ रहे हैं और मिस्त्री भी है और बाकी पूरा परिवार है। और यहाँ पे देखो कितने सारे चावल है, वहाँ दाल लगी है, फिर रोटियाँ भी बनेगी, सब कुछ ही। और अब इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प करनी है। बताइएगा आपको मेरा ये घर कैसा लगा, मेरा घर जहाँ पे मैंने जन्म लिया। और आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अब मैं दूसरी वीडियो में या जब भी बीच में मेरी दूसरी वीडियो बनेगी मैं बताऊंगी कि ये दूसरा घर क्यों बना। हालांकि मेरे पापा भी सिंगल हैं और पहला घर मेरा कहाँ पे था, मायके वाला घर। और तीसरा घर भी मैं जल्दी ही आपको मायके वाला दिखाऊंगी। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, बाय। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।